यहाँ पर आपको एक अहम खबर देंगे। आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीके इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और तहरीके इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला वापस दे दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, तहरीके इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से और तहरीके इंसाफ को इंतखाबी बल्ला वापस दे दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीके इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इंतखाबी निशान बल्ला तहरीके इंसाफ को वापस कर दिया है। पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, तहरीके इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। हमारे साथ बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद नौमान मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। बताइएगा नौमान, इस फैसले के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की जानिब से अहम फैसला सामने आया है और ये जो गुज़िश्ता दो रोज से पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन का जो मामला चल रहा था, इसका केस यहाँ पर लगा हुआ था, इसके इलेक्शन को कलअज़म करार दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से और इनसे बल्ले का निशान वापस लिया गया था। तो इस केस की गुज़िश्ता रोज से समाअत पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जारी रखी। डिवीजन बेंच में जस्टिस एजाज अनवर और अरशद अली शामिल थे। जो इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के वकील हैं उन्होंने कल दलाइल मुकम्मल किए थे, जबकि दीगर फरीकैन की जानिब से उनके वकला ने आज दलाइल पेश किए और इन दलाइल के बाद फैसला महफूज किया गया था। और अभी चंद लम्हे पहले पेशावर हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने पीटीआई के हक में फैसला सुना दिया है और इनका जो इंटर पार्टी इलेक्शन का इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ने कलअज़म करार दिया था उसको गलत करार दिया है और पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने का हुक्म भी पास किया गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में जो पीटीआई के वकला हैं इनकी मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले कारकुन हैं, पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले कारकुन और अहदेदारों की बड़ी तादाद हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद है और जैसे ही ये फैसला सुनाया गया है तो पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनके वकला। दिस हाफ आवरली क्लॉक इज ब्रॉट टू यू बाय एडवांस्ड हेयर रिमूविंग फार्मूला गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ हेयर रिमूविंग क्रीम। आदमी मौजूद है जो कि पीटीआई की लायर रिंग से ताल्लुक रखती हैं या पार्टी की दीगर तंजीमों से उनका ताल्लुक है। साबिक जो अराकीन असेंबली हैं वो भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं और काफी गहमा गहमी की सूरत हाल इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में देखी जा रही है। अच्छा, ये बताइएगा नौमान के तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त तो मंजूर कर ली गई है, वकला की जानिब से कौन पेश हुआ आज पेशावर हाई कोर्ट में और अब जबकि बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया है तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, वर्कर्स का, सपोर्टर्स का क्या रद्द अमल है?